तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजी क्लासेस में। सबसे पहले 75 साल कंप्लीट होने की आज़ादी के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दुआ करूंगा कि ये जो आज़ादी है वो आपके जीवन पे भी पूरी तरह से लागू होने पाए। ठीक है, दो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो UPSI के लेवल को देखते हुए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़, UPSI का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा या UPSI का एग्ज़ाम इस साल नहीं होगा। ठीक है, दो प्रश्नों का उत्तर मैं दे करके ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैं भाई साहब वीडियो बनाने का कोई मुझे ज़्यादा कोई खास इंटरेस्ट अब रहा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई स्टूडेंट के पास समय नहीं है और मैं यदि उनका समय बर्बाद कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो UPSI का एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा कि नहीं होगा। देखिए, ये कोई व्यक्ति 4-5 दिन से ये सब बात चल रही है कि नवंबर दिसंबर में होगा कि कब होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा आपसे एकदम यही कहना है कि आप पिछले अनुभव से थोड़ा सा संज्ञान लें। जेल वार्डर का एग्ज़ाम हुआ, उसका रिजल्ट आया और दूसरे दिन नियुक्ति पत्र बांट दिए गए। ठीक, मतलब ये मान के चलिए कि 24 घंटे के अंदर पोस्टर भी छप गया, मीटिंग का अलॉटमेंट भी हो गया, कहाँ मीटिंग होनी है वो भी तय हो गया और बच्चों को भी बुला लिया गया। समझ रहे ना, कितने युद्ध स्तर पर कार्यक्रम हुआ। दूसरी चीज, जैसे कहा है योगी साहब ने कि 2000 यानी दिसंबर तक उन्हें ज्वाइनिंग लेटर देना है। यदि ये दिसंबर तक वाली बात पूरी नहीं करते, ये जानते हैं यूपी में 64% युवा है, यानी युवा की जनसंख्या 64%, मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब युवा, यदि गलत बोल रहा हूँ माफ़ करिएगा, यानी थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो जाता है। सबसे ज़्यादा युवा यूपी में, और चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो लेखपाल के स्टूडेंट हो, चाहे वो चकबंदी वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो TGT, PGT और UPSI और भी बहुत सारे डिपार्ट के जो स्टूडेंट अभी वेट कर रहे हैं, केवल उनकी भर्ती क्लियर नहीं हुई है, तो वो उनको 2022 में दिखा देंगे कि स्टूडेंट की दम क्या होती है। तो मुझे लगता है जहाँ तक योगी जी इस चीज़ का बयाना नहीं लेंगे, युवा से मोर्चा नहीं लेंगे वो। दूसरी चीज़, कुछ लोग इस चीज़ का हवाला दे रहे हैं कि भाई जो भर्ती है वो दिसंबर में, मतलब दिसंबर के बाद नहीं होगी, यानी मतलब नवंबर दिसंबर में करवाने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि फिर विपक्ष क्या होगा, इनके ऊपर आरोप लगाएगा कि इतनी बड़ी भर्ती में आप यानी फ़ायदा लेने के लिए ये भर्ती करवा रहे हैं। और जहाँ तक मैं इस सरकार को, मैंने पिछले 4-4.5 साल में जो सरकार को एनालाइज़ किया है कि उन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता विपक्ष क्या सोचता है। ठीक है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम हंस रहे हो कि रो रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है, तुम बड़बड़ा रहे बड़बड़ाते रहो, उन्हें जो काम करना वो करना ही है। ये रिकॉर्ड रहा है कि भाई साहब 5 दिन के अंदर पूरा PhD करवा लेना और फिर 10 दिन के अंदर पूरी दौड़ करवा लेना, रिकॉर्ड रहा है समझे। और फिर तो ये दरोगा भर्ती है, 12-12.5 लाख लोगों का एग्ज़ाम लेना है, ले के कितना टाइम लगेगा उनको, कुछ लोग को 20-22 दिन लगेगा, इतना भी नहीं, 15 दिन में करवा लेंगे, 15 दिन में एग्ज़ाम करवा लेंगे, 5 दिन में PhD करवा लेंगे और 5 दिन में दौड़ भी करवा देंगे, हो गया कार्यक्रम। यदि अपने ऊपर आ जाएंगे दिसंबर तक प्रोसेस करवा देंगे, ये मत सोचे कि नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम जाएगा। रही बात सोर्सेस की, तो मैंने भी कई बार जो भर्ती बोर्ड है कॉल किया, बात की है नहीं, बहुत बार तो कॉल ही नहीं उठा, मगर मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं ये भी आपको मैं लिटरली बता दूं कि ऐसा नहीं कि मतलब मैं एकदम अछूता हूँ राजधानी से, यूपी के राजधानी से, वहाँ पर भी मेरा आना जाना लगा ही रहता है और बहुत सारे मित्रगण हैं और बहुत सारे सर भी हैं हमारे जो अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट हैं, तो थोड़ी बहुत तो इन्फॉर्मेशन मिली जाती, तो साफ है कि अच्छी पोस्ट में जब आदमी होता है वो भी साफ बता देता है, यार देखो यहाँ पर जो पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही यानी बहुत ही हाई लेवल पर रखी जाती है, सबके कानों तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है कि क्या करना है, बस सर्कुलेशन जारी होता है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन जारी होते हैं कि एक पत्र भेज दिया जाएगा फैक्स के द्वारा कि भाई साहब इस दिन आपको ये काम करवाना, बात ख़त्म। ये यानी ये नहीं कि ये गा रहे हैं, गाने वाला कार्यक्रम नहीं, ये गाते नहीं हैं, बस सर्कुलेशन निकाल देंगे इस दिन से आपको ये कार्यक्रम करना है। इसीलिए भर्ती बोर्ड में जो अध्यक्ष साहब है उन्होंने भी यही बात बोली कि हमें सर्कुलेशन सरकार की तरफ से मिल गया, जिस दिन वो ऑर्डर दे देंगे हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई भर्ती करवानी मतलब ऊपर से आदेश, मतलब करवानी है, ये मत ना सोचे कि
आप संभावना लगाना, मुझे लगता है ये एक मूर्खता है, संभावना बिल्कुल ना लगाएं कि नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, कि 2022 में होगा, ये होगा वो होगा। आपको याद है कि 2017 में जब चुनाव हुआ था और नई सरकार बन के आई थी, तो जुलाई में एग्ज़ाम हो गया था। कोई सरकार इतनी तत्परता से कार्य नहीं करती है, वो भी दूसरी की भर्ती में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है। चाहती तो वो भर्ती आराम से वो डिले करके 2018 में वो एग्ज़ाम लेती, पर नहीं, सरकार को एक जिम्मेदारी थी। ये मैं सोचना यार कि मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, मैं वोट नहीं देता हूँ बीजेपी को, परेशान ना हो, समझे, मैं नोटा दबाता हूँ, सीधी सी बात, पहले आपको इस बात को मैं बता दूँ। पर जो काम अच्छे हैं वो मैं अच्छा बताऊँगा, जो काम बुरे हैं मैं बुरे बताऊँगा, सीधी सी बात है नहीं? तो ये सोचें कि ये भर्ती डिले जाएगी, फिर चुनाव के बाद ये भर्ती क्लियर होगी, तो चुनाव के बाद यदि क्लियर होगी भाई साहब, तो 2 दिसंबर में ज्वाइनिंग नहीं करवा पाएंगे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। एग्ज़ाम इनको नवंबर दिसंबर में करवाना है, ये सॉरी नवंबर दिसंबर, तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये तो मेरे दिमाग में विचार गया नवंबर दिसंबर, नहीं भाई साहब, अक्टूबर में एग्ज़ाम, आप मान के चलिए एकदम डन है, ठीक है। फिर यदि कुछ होता है तो खैर अलग बात, वो आपकी किस्मत पे होगा, बट ये सोच लेना पहले से ही कि नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो ये एक मूर्खता होगी, और फिर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, और यदि नवंबर दिसंबर में होगा तो भाई साहब आप भी ज़िंदा रहेंगे, स्टूडेंट भी ज़िंदा रहेंगे, कोई मर नहीं जाएगा। नवंबर दिसंबर में होगा तो वो अपनी स्टडी उसी हिसाब से चेंज कर लेगा, पर अभी से तुम ये बात गा दो कि भाई साहब एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगा कि नहीं होगा, तो बच्चे को दुविधा में डाल रहे हो। और सुनो भाई साहब, जिस बच्चे की विल पावर कमज़ोर है, जो थोड़े थोड़े झटके से हिल जाता है नहीं, कुछ घर होते नहीं कि एक झटका आया नहीं, दरारें चिटक गई, यदि आप उस तरीके लेवल हो और ये बात आपने सुन लिया कि नवंबर दिसंबर में से एग्ज़ाम होगा और आप डीमोटिवेट हो गए, तो भाई साहब ये एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा, फिर तो आप भूल जाए, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर बैठेंगे इतना प्रेशर होगा ना भाई साहब, इतना प्रेशर होगा, यदि आप उस प्रेशर को झेल गए तो अलग ही लेवल की कहानी होगी। और यदि आप अभी से डीमोटिवेट हो रहे हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, लिटरली 25% स्टूडेंट ने ये बात सुनते ही तैयारी छोड़ दी होगी, ठीक है, और छोड़ना भी पड़ेगा, जाहिर सी बात है यार, क्योंकि सिलेक्शन तो 1% से भी कम लोगों का हो रहा ना, 12 लाख है तो 12 लाख से छोड़ लो, 1% के आसपास, 12,000 के आसपास निकलेगा, तो उससे भी कम लोगों का सिलेक्शन हो रहा, तो ये तो वैसे कट जाएंगे, और दूर तो अभी जितना एग्ज़ाम थोड़ा देर होता जाएगा वो कटता जाएगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि लोग कटें, पर मैं आपसे लिटरली बताऊं, जो आदमी मेहनत कर रहा है वो टारगेट रखे भाई साहब अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर में एक तगड़ा मेला है, अक्टूबर में एक धुआंधार युद्ध चलेगा, युद्ध स्तर पर सारी चीज़ें होंगी। नवंबर में लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, तो भाई साहब ये मान के चलिए कि लेखपाल के एग्ज़ाम से पहले आपका UPSI का एग्ज़ाम होना है, और होना है मतलब होना है, ठीक है। डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, अपने जो प्रिपरेशन है उसको, फेस को बिल्कुल गड़बड़ ना करें, जैसा चल रहा वैसे चलने दीजिए, मेरा आपसे निवेदन है। यह आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, और आप माँ बाप, आप अपने माँ बाप की किस्मत और अपने माँ बाप की जो चिंता है उसको ख़त्म कर सकते हैं। यदि आपको अपने माँ बाप की चिंता नहीं है कि भाड़ में जाए सब चीज़ें, तो बिल्कुल आप नवंबर दिसंबर की को लेकर के तैयारी करें, और यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो भाई साहब अक्टूबर को डेडलाइन एकदम मान के चलिए, ठीक है, बिल्कुल मान के चलिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भाई कोरोना भी एकदम नॉर्मल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, और मेरे हिसाब से आराम से वो काम, और सरकार भी चाहती है, सरकार में भर्ती बोर्ड का जब हो रही थी मीटिंग, उसमें ये बात बोली गई थी, यदि कोविड ना होता तो हम ये एग्ज़ाम जून में ही ले लेते हैं, पर कोविड के चलते हैं, तो अभी कोई इससे ऐसी सिचुएशन नहीं, ऊपर वाले से मैं दुआ करूँगा कि ऐसी कोई सिचुएशन ना ही आए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, ठीक है, नहीं समझे? तो इसलिए भैया आप अच्छे से रहिए, आज़ादी का मज़ा लीजिए, आज स्वतंत्रता दिवस है, आराम से उसको मनाइए, पर कल से अपने आप को एकदम झोंक दीजिए अपनी तैयारी को, पैट भी अच्छे से दीजिए, और UPSI को भी अच्छे से चितपट करिए, क्योंकि खेल बस एक ही बात का है, वो है एग्ज़ाम। यदि एग्ज़ाम में आपकी मेरिट बन गई तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, पर यदि आपने एग्ज़ाम में कोताही करी तो आपको सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता, फिर भूल जाइए, ठीक है। ये जो प्रोबेबिलिटी संभावना जो भी लोग लगा रहे हैं, लगाने दो कृपा करके, और अपने आप को एकदम दृढ़ मजबूत रखो, अभी कोई ऐसी इनपुट नहीं आ रही है, जिस दिन आ जाएगी कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी ऑथेंटिक, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है।
बाकी इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो शेयर कर देना पसंद आए, जिससे शायद किसी एक भाई की चिंता खत्म हो जाएगी। ठीक है, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, जोश से जुनून से अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। यही वो मौका है जब आप कुछ करके दिखा सकते हैं कि हाँ भाई साहब, देश में मैं अपना कुछ योगदान दे सकता हूँ, समाज की सेवा कर सकता हूँ। और वो तभी पॉसिबल है जब आप UPSI की पोस्ट तक पहुँच जाए। ठीक है, देखो भाई साहब, मंजिल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है संघर्ष, जो जर्नी का होता है। यदि आप मंजिल को वैल्यू दे रहे हैं ना, तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं। संघर्ष, ये जो रास्ता है ना, ये मंजिल तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो पा ही जाओगे यार, पर इस जर्नी का भाई मज़ा लेना तुम्हें। संघर्ष आएगा, कभी आप आएंगे, कभी डाउन आएंगे, कभी स्थिति बुरी होगी, पर एक समय सब कुछ बढ़िया होगा। जिस दिन आपके कंधों पर स्टार चढ़ जाएंगे, सारा जो दुख होगा ना, वो बह जाएगा और सुख की नदियाँ बहनी शुरू हो जाएंगे आपके जीवन में। इस वीडियो में इतना ही, और इसी आशा के साथ छोड़ता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।